SC/ST कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलितों और दलित संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। भारत बंद को देखते हुए कई राज्यों में सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। भारत बंद के आह्वान को कई दलित नेताओं का समर्थन हासिल है। पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में सरकारी परिवहन सेवा रोक दी है। पंजाब में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी आज के लिए रोक दी गई हैं। अमरिंदर सिंह सरकार ने सेना को तैयार रहने के लिए रक्षा सचिव को चिट्ठी भेजी है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के लोगों, खासकर अनुसूचित जाति के सदस्यों से संयम बरतने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि दलित संगठनों की मांग है कि SC/ST को पहले की तरह लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि SC/ST एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती जांच के बाद ही केस दर्ज करने का भी आदेश दिया था। दलित संगठनों के अलावा राहुल गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। बीजेपी के दलित सांसदों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज पुनर्विचार याचिका भी दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था उसे कहा जा रहा है कि सरकार उस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। राहुल गांधी खुद सामने आए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। अब आज दलितों का बंद है, भारत बंद है। केंद्र सरकार आज फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी, जिस पर सभी की नजर भी टिकी हुई है। जो हालिया फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था उसके खिलाफ ये भारत बंद है। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।